Thank you, Honorable Speaker Sir, for giving this opportunity. Sir, आप जिस तरह से बोला सर, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसमें सर, इस recently जो है ना सब दो तीन issues को House का दृष्टि में लेके आना चाहता है. हम लोगों का Honorable Prime Minister और चाइना का जो President जब मिला था महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जब मॉर्निंग वॉकिंग में जब प्राइम मिनिस्टर जा रहा था, वो जो समुद्र का बगल में चलते चलते पूरा जो है ना प्लास्टिक के झोले में लगा के पूरा जो है ना प्लास्टिक को लेके जो है ना लेके आया, वो बहुत वायरल हुआ है एंटायर कंट्री में. एक हमारा अपना कंट्री में नहीं, वर्ल्ड में भी, एंटायर वर्ल्ड में भी जो है ना बहुत वायरल हुआ है. इसका मतलब अभी हॉनरेबल मेंबर ने अभी बोल रहा था वही प्लास्टिक समुद्र का बगल से जो है ना समुद्र में चले जाएगा, मछली खाएगा, उसका वजह से हम लोगों को इफेक्ट होगा. वो बहुत ही रिसेंटली का जो है ना सब ये बहुत ही हुआ है. दूसरा, हम गवर्नमेंट को जो है ना सब दो सजेशन देना चाहता है. रिसेंटली जो है ना सर, हमारा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम किया था 30 डेज का विलेज को डेवलप करने के लिए, विलेज को क्लीन करने के लिए. उसमें एक कलेक्टर ने क्या किया है, ये जो प्लास्टिक कलेक्ट करने के लिए जो प्लास्टिक 1 kg प्लास्टिक लेके आएगा, 1 kg राइस हम लोग दे देगा. 1 kg प्लास्टिक जो भी लेके आएगा और 1 kg राइस दे देगा. अगर वो जो है ना सब 1 kg राइस और 1 kg प्लास्टिक लेने के बाद इतना कलेक्ट हो गया, अभी वो कलेक्टर जो ये कर दिया सब, वो विलेजेस पे तो अभी प्लास्टिक नहीं मिल रहा है. वो कलेक्टर को रिसेंटली हम लोग इधर दिल्ली में बुलाया, ये कमिटी का मीटिंग में उसका प्रेजेंटेशन भी करवा दिया. हमारा रिक्वेस्ट है सब, ये गवर्नमेंट जो है इसको थोड़ा देखे. हर एक चीज में जो है ना हमारा तेलंगाना नंबर 1 में रहेगा इंडिया में, इसमें भी हम लोग नंबर 1 में है. 1 kg प्लास्टिक, 1 kg राइस. दूसरा सजेशन यही है सब, ये नरेगा का जो है ना सब, महात्मा गांधी नरेगा का जो इश्यू है उसमें भी जो है ना हम लोग अगर इसको ऐड कर दे, उसको इंक्लूड करके प्लास्टिक में जो जो लेके आएगा और उसको जो है ना हम लोग जो है ना इसको ऐड के उसमें ऐड करने से काफी प्लास्टिक का इश्यू खत्म हो जाएगा सर. ये प्लास्टिक का इश्यू बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. जो गवर्नमेंट जो लिया है वो सही टाइम में जो है ना एडवांस, अभी अपना डेवलपिंग कंट्री में राइट टाइम में अपना जो है ना गवर्नमेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने ये जो इश्यू को लेके गया है, ये बहुत अच्छा का बात है सर. थैंक यू सर. बहुत सुझाव आपके नागेश्वर राव जी बहुत अच्छे है. और आपने कहा तेलंगाना नंबर 1 है, मैं चाहता हूं भारत का हर राज्य नंबर 1 पे आए, ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए.